कद मन की छैया ग्वालन के संग में हेरी है गैया उधो हमारी वहां बरसाने वारी है प्राण प्रिया ब्रज की सुरतिया आवे हिया ब्रज की सुरतिया आवे हिया। भगवान गौरांग महाप्रभु ने सोचा ये सब ब्राह्मण गण हैं, वो गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, वृंदावन के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, मैं गृहस्थ हूं इसलिए मेरी निंदा करते हैं, इन सबको भी मैं किसी तरह भक्ति देना चाहिए, जो मेरे से दूर भाग रहे हैं उनको भी मैं भक्ति देना चाहिए। इसीलिए भगवान ने सन्यास लेने का निश्चय किया। 24 वत्सर की आयु में भगवान ने कहा कि सन्यासी मान के भी अगर ये सब विद्वान तार्किक लोग अगर मुझे प्रणाम करेंगे तो भी उनको परम भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, स्वयं भगवान से प्रणाम हो जाएगा उनको। किसी भी तरह जीवों को उद्धार करने के लिए प्रभु ने अपनी यशोदा माँ, सची माता और विष्णु प्रिया को छोड़ने का निश्चय किया। इसमें अनंत लीलाएं हैं, विष्णुप्रिया और भगवान का संवाद है। विष्णुप्रिया ने कहा प्रभु आपके नाम मात्र से ही सब जीवों का उद्धार होता है, आपको सन्यास लेने की क्या जरूरत, केवल गौरांग ऐसा बोलने से ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। निताई गौरांग जी बोले एक बार, निताई गौरांग जी बोले एक बार, निताई गौरांग जी बोले एक बार, निताई गौरांग बोले बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत होय तार, अनंत कर्म दोष अंत होय तार, अनंत कर्म दोष अंत होय तार, अनंत कर्म शेष अंत होय तार, निताई चैतन्य बोली जे जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय तागे, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय तागे, गौर नाम कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वा, कली जुगेर अपराध असंख्य दुर्वा, गौर नाम बिना तारो नाही को उद्धार, गौर नाम बिना तार नाही को निस्तार, गौरांग 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 गौरांग। एक गोपाल चपल नाम का ब्राह्मण बड़ा चपल था, उसने आके श्रीवास आंगन के बाहर सिंदूर और मदिरा आदि के मटके रख दिए, और सुबह श्रीवास आंगन खुला तो बोला देखो इन सब लोग रात को ये पीते हैं, क्योंकि उसको अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो श्रीवास ठाकुर बड़े नम्र थे, उन्होंने अपराध नहीं लिया, उन्होंने झाड़ू मार के उसको साफ कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन गोपाल चपल को कुष्ठ रोग हो गया, उसका नाक पिघल गया, हाथ पिघल गया, और गंगा के किनारे झोपड़ी में जाके उसको रहना पड़ा। तुरंत ही उसको फल मिला, श्रीवास ठाकुर के प्रति जो अपराध किया था। तो ये भगवान गंगा के किनारे में जा रहे थे तो एक ब्राह्मण ने देखा ये निमाई आ रहा है, हम श्रीवास आंगन की जो निशांत लीला में हमको प्रवेश क्यों नहीं देते हो निमाई, हमको भी लीला देखनी है।
रात को दरवाजा क्यों बंद हो जाता है? मैं तुमको शाप देता हूं नीमा, उसने अपना जनोई लिया और निमाई को शाप दिया, हे निमाई, हे चैतन्य, अभी आपके पास जो कुछ है सब आपका दूर हो जाएगा, सब बिछड़ जाएगा आपसे। भगवान हंसने लगे, बोले मेरे मुझे तो सन्यास लेना ही था, अच्छा किया तुमने आशीर्वाद, तुम्हारा आशीर्वाद यही तो मेरा मिशन है। तो प्रभु ने विष्णुप्रिया को शांत किया, सच्ची माता को कहा नहीं, केवल 5 भक्त उनके सन्यास के बारे में जानते थे। और भगवान रात को मायापुर से निदया घाट गए हैं। ये घाट को निदया घाट कहते हैं क्योंकि ये घाट में दया नहीं है। भगवान ने सब नवदीप मायापुर वासियों को छोड़ दिया बिना बताए हुए, जैसे कृष्ण और बलदेव को गोपियां को विरह में छोड़ के अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं और गोपियां अपने शरीर को उन रथ के नीचे फेंक रही हैं, डाल रही हैं, बोले हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, वैसे ही भगवान ने मायापुर को छोड़ दिया, सीधे निदया घाट में जाके पानी में छलांग लगा दिया और गंगा में रात को तैरते तैरते आगे 30 किलोमीटर दूर कटवा में पहुंच गए, जहां उनके सन्यास गुरु जी केशव भारती रहते थे। बोलो केशव भारती की जय। ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष में ये लीला हुई है। 24वें वत्सर में भगवान पहुंचे हैं और नित्यानंद चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त के साथ भगवान ने कटवा में केशव भारती के साथ मिलन किया है। बड़े सन्यासी थे, भारती सन्यासी, 108 सन्यासी होते हैं, ये नाम होते हैं भारती पूरी, सन्यासी के, सन्यास के 108 नाम होते हैं, साधु, दामोदर, नारायण, स्वामी, ऐसे 108 नाम में से एक नाम दिया जाता है सन्यास के समय में। तो ये भारती सन्यासी थे, भगवान ने सबसे पहले तो कटवा में जाके अपना माथा मुंडवाने के लिए एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, उस वृक्ष का दर्शन भी आपको मैं कराता हूं। बोलो कटवा धाम की जय। यही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बैठे हैं। और नाई आया है, एक नाई को बुलाया भगवान ने, बोले मेरे केश को काटो, मैं सन्यास लेना चाहता हूं। वो नाई के हाथ कांप रहे हैं, नाई बोलता है, हे प्रभु, ये जो आपके केश है ना, इसकी वंदना ब्रह्मा और शिव और नारद भी इसका ध्यान करते हैं, मैं आपके केशों को कैसे काट सकता हूं, आपके केश इतने सुंदर हैं, कोटि कोटि काम देवों से भी सुंदर। भगवान हंसने लगे, भगवान ने नाई को कहा, देखो नाई, ये आखिरी बार तुम मेरे केश को काट दो, इसके बाद तुम्हारा धंधा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत दौलत मिल जाएगी, तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और अंत में तुम मेरे धाम में आ जाओ, लेकिन कृपा करके मेरा केश को काटो। और जब भगवान का केश काटने लगा तो आप देखते हैं कटवा में सब स्त्रियां रोने लगी, हाय हाय करके छाती पीटने लगी, सब मनुष्य लोग जो देख रहे थे जमीन में दंडवत करके रोने लगे, बोलते इससे सुंदर सचिनंदन भगवान के केशों को मत काटो, ये तो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है संसार में। ये कौन है, इसकी माता कितनी धन्य है, ये साक्षात नारायण है, इतना प्रकाश है, इसके घुंघराले बाल तो सौंदर्य के की सीमा है। लेकिन नाई ने भगवान की आज्ञा मानी है और उस बाल को काटे हैं। और उसके बाद भगवान मुंडन करके केशव भारती के पास में पहुंचे, बोले गुरुजी,
मुझे सन्यास दीक्षा दीजिए। केशव भारती चकरा गए हैं। केशव भारती बोलते अनंत ब्रह्मांड के नाथ जगत गुरु भगवान को मैं क्या दीक्षा दूं? आप तो मेरे गुरु हो, आप जगत गुरु हो, आपको मैं कैसे दीक्षा दूं? मैं कौन से मंत्र की दीक्षा दूं वो भी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि सब मंत्र के स्वरूप तो आप ही हो। हे गौर हरि सर्व मंत्र स्वरूपश्च। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने केशव भारती के कान में पहले मंत्र दिया है, सन्यास मंत्र, और वो ही मंत्र केशव भारती ने वापस भगवान को दे दिया। तो भगवान ने केशव भारती शंकराचार्य की परंपरा में एक दंडी सन्यासी थे, तो भगवान ने मंत्र दे के केशव भारती को वैष्णव बनाया और फिर उनसे सन्यास का मंत्र ग्रहण किया। और सन्यास का मंत्र देने के बाद भगवान ने कहा कि अभी मुझे नाम दो, सन्यास का नाम। तो केशव भारती सोचने लगे, आप हे प्रभु आपके नाम अनंत हैं, मैं आपको क्या नाम दूंगा? परम ब्रह्म को नाम देना ये भी बहुत कोई साधारण बात नहीं है। तो इतनी देर में आकाशवाणी हुई आकाश में से, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, वो कलयुग में बद्ध जीवों के लिए सन्यास ले रहे हैं, इनका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। कोई नहीं बोल रहा है फिर आप, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। जो चैतन्य का नाम नहीं लेता है वो जड़ बन जाता है। तो जो जड़ नहीं बनना चाहता है वो जोर से नाम लीजिए, श्री कृष्ण चैतन्य, 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 श्री कृष्ण चैतन्य नामना ये मुख्यान मुख्या तमं प्रभो हेलया सकृदुच्चार्य सर्वनाम फलम लभे। ब्रह्म रहस्य में कहा है श्री कृष्ण चैतन्य का नाम मुख्यान मुख्या तमम नाम है, कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ नाम है, और जो ये नाम लेता है उसको सब नाम लेने का फल मिल जाता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।